हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आयो बच्चे ही होगे हमेशा की तरह। तो वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है मैजिक फन विद पंकज। तो टुडे वेरी स्पेशल ट्रिक, बहुत इजी है, इजी टू डू है, पर थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये कार्ड ट्रिक है, तो ये सारे कार्ड की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें चाहिए सिंगल कार्ड। तो बाकी कार्ड हम यहाँ नीचे रख देते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल एक सिंगल कार्ड की ट्रिक। तो इजी है, तो पहले परफॉर्मेंस करते हैं। इस ट्रिक को हम एक नहीं दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको पहला दिखाने वाला हूँ, फिर मैं देन आपको दूसरा दिखाऊंगा, थर्ड मैं आपको ये ट्रिक कैसे करी जाती है दोनों तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं। तो मेरे पास है यहाँ पे एक फाइव ऑफ हार्ट, तो आपको ध्यान से देखना है इस फाइव ऑफ हार्ट को, ठीक है? फाइव ऑफ हार्ट देखिए, मैं वैसे क्लिक करूंगा, वन टू एंड नाउ थ्री, तो ये चेंज हो जाएगी। ओके, चलिए अब मैं बोलता हूँ वो दूसरी ट्रिक वो कैसे की जाती है। चलिए पहली ट्रिक आपने देखी ली, ये है दूसरी ट्रिक, ये भी सिंगल एक कार्ड से ही है, सेम वही ट्रिक है लेकिन इसको करने का तरीका थोड़ा दूसरा है। तो उसमें पहले मैं स्नैप चेंज किया था, इसमें जब मैं शेक करके आउट करूंगा तो देखिए ये आपका कार्ड है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ये देखिए दूसरी मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूं, वन टू नाउ थ्री, तो ये शेक करने से भी चेंज हो जाता है। तो आई होप आपको ट्रिक दोनों पसंद आई होंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो, लाइक माई वीडियो और बेल आइकन जरूर दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जो इन फ्यूचर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ, ये ट्रिक मैंने कैसे की है मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, इन फ्यूचर जो भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इस ट्रिक के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं, सिंगल कार्ड, अब मैंने कहा था आपको सिंगल कार्ड के लिए, दरअसल ये सिंगल नहीं है, ये डबल कार्ड है, एक के पीछे एक है, तो ये आपको पकड़ना इस तरीके से है कि आपको सिंगल ही नजर आए जिसको भी आप दिखाने वाले हो, ठीक है? तो इसको पकड़ने का तरीका, करने का तरीका आपको बताने वाला हूँ। पहला आपको मैं बताता हूँ जो मैंने स्नैप चेंज किया था, तो ये स्नैप चेंज कुछ ऐसा था, मैंने इसको बस यहाँ पे जोर से मारा था, इसको क्यों मारा था ये अभी आपको बताता हूँ, ठीक है? ये बिल्कुल मैं ऐसे जो मारा था, ये देखिए, ये मैंने ऐसे करके किया था, समझ गए? ये मैंने शेक इसलिए दिया था जो कि आपको ये लगा ये हिला है, वो हिलता इस वजह से है क्योंकि मेरे को ये चीज करनी होती थी, समझ रहे हो? मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ओके, ये मैंने ऐसे किया, ये मैंने स्नैप किया, तो ये दोनों और ये चीज दोनों एक साथ करनी है बिल्कुल ऐसे करके। तो ये एंगल का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, ये सीधा नहीं पकड़ना दोनों कार्ड को, ना ही ऊपर से पकड़ना, तो ये ऊपर वाला हिस्सा आपको खाली छोड़ना है, ये आपको नीचे से पकड़ना है, सीधा नहीं हल्का सा नीचे को बैंड करके, और ये दोनों एक साथ और ये ऐसे चेंज होगा ऐसे करके, तो ये ऐसे पकड़ना और उसको बस सपोर्ट के लिए यहां पर लगाना है, ठीक है? जब इनको सपोर्ट के लिए ऐसे लगाओगे तो इसको शेक करते ही ये नीचे आ जाएगा। ध्यान से जब आपको ये पकड़ना है तो कैसे पकड़ना है, ये देखिए, ये थंब से और ये वाली फिंगर, ये दोनों एक जगह होंगी और ये थर्ड, ये जो वाली फिंगर है ये थोड़ी ऊपर की साइड होगी, तो इसको आप ऐसे पकड़िए और ये दोनों चीज आपको एक साथ करनी पड़ेगी, फर्स्ट ये वाली, ठीक है ना, सेकेंड ये वाली, ये इसलिए क्योंकि जब ये शेक करके हिलेगा तो आपको इसमें मिल जाएगा चेंज करने का मौका, तो इसके लिए आप थोड़ा फास्ट करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, तो इसलिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैंने भी प्रैक्टिस करी है अभी हुआ है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको जैसे ये मारोगे तो आपको सिंधा सा ये करना और ये थोड़ा एंगल में रखना, तो आपको ये पता नहीं चलेगा। चलिए फर्स्ट तो ये हो गया, सेकेंड भी बहुत ईजी है, सेम यही है, पर इसको करने का तरीका दूसरा है। वो क्या तरीका था, सेम आपको सिंगल कार्ड दिखाना, सिंगल नहीं वही डबल कार्ड होगा, अलग कार्ड ले सकते हैं, कोई भी कार्ड ले सकते हैं, उनके सामने आपको फ्लैश करके डबल फ्लिप उठा लेना है, जैसे मैंने आपको एक दो पहले ट्रिक में बताया है कि डबल लिफ्ट कैसे उठाते हैं, ठीक है? याद रहेगा डबल कार्ड लेना है। और दूसरा तरीका, तो पहला तरीका आपको मैंने बता दिया, ये है दूसरा तरीका, तो इस वाले तरीके में आपको भी सेम वही चीज पकड़नी है जैसे मैंने पहले से पकड़ा हुआ था, पर इस बार आप मारोगे नहीं, ठीक है? बस आप थोड़ा सा क्लोज करके आप दिखाओगे और थोड़ा सा डिस्टेंस करके शेक करोगे, तो पहले आप धीरे से शेक करोगे वो बताएंगे कौन सा है, फिर जोर से शेक करोगे, जब जोर से शेक करोगे तो वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, सेम वही, ये देखिए मैंने इसको नीचे पकड़ के खींच लिया और इसको बाहर कर दिया, दोबारा से दिखाता हूं स्लोली, ठीक है? ये दोनों चीज एक साथ होनी चाहिए, थंब और ये मिडिल फिंगर, ओके याद रखना, थंब और मिडिल फिंगर एक साथ होंगी और जैसे इसको हम शेक करेंगे उस शेक के दौरान ये ऐसे हो जाएगा,
ठीक है, पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, शेक धीरे से करना, फिर जोर से कर देना एक ही बार में, तो ये चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब भी इसको परफॉर्म कीजिएगा, वरना आप पकड़े जाओगे। खैर मैंने प्रैक्टिस करने के बाद क्या है, तो आई होप आपको ट्रिक पसंद है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो, लाइक माय वीडियो और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि इन फ्यूचर जो भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आपको टाइम टाइम मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।